हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 7 दिसंबर 2018 की डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला क्वेश्चन आया है वो है एनडीएसओ, यानी कि यौन अपराधों के लिए जो नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साथ आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भारत ऐसा पहला देश है जहाँ पर डेटाबेस तैयार किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि यह डेटाबेस उन लोगों के लिए है जो यौन उत्पीड़न 2005 के बाद दोषी हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, इसमें हम एक बार आप ये देखिए, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत ऐसा पहला देश है। तो देखो, ऑब्वियसली आपको बताऊँ कि भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने नेशनल डाटाबेस ऐसा तैयार किया है। बेसिकली इसमें सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर सेकेंड यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे तो डी भी गायब हो जाएगा, बी बी और ए बी बचा क्या, कि केवल तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यह ध्यान रखना है कि इंडिया नौवीं ऐसी कंट्री है जिसने नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स है वो एक डाटाबेस तैयार किया है। और यह बेसिकली यह ध्यान रखना है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए है। बेसिकली देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ओनली टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, किस लिए है, ताकि इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग की जा सके। तो यह ध्यान रखना कि सभी लोगों के लिए एक्सेस नहीं रहेगी, केवल हमारे देश के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगी। इसमें उनके नाम है, जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनके नाम रहेंगे, एड्रेस, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, डिटेल वगैरह रखी जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जो सेक्सुअल जो पोस्को एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर एक्ट, उसको भी बेसिकली इसमें इंक्लूड है, यहाँ पे किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली एक साइड तो हमें ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, एक साइड हमें उनके संस्थापक। तो इनको बताना कि कौन सा इसमें सही ढंग से सुमेलित है, ढंग से मिलान है, वो किया हुआ है। पहला है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सामने दिया गया दादा भाई नौरोजी। दूसरा है कि भारतीय समाज, जिसमें दिया गया फिरोजेश मेहता। और तीसरा है लैंडलॉर्ड सोसाइटी, जिसका दिया गया द्वारकानाथ टैगोर। देखो, हिस्ट्री से डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन है, यूपीएससी काफ़ी बार इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो बेसिकली दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करें हम तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट है कि लैंड होल्ड सोसाइटी। तो देखो, इसके बारे में बिल्कुल सही है कि द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्ड सोसाइटी है वो बनाई गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो भारतीय समाज था वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। बेसिकली ये बता दूं कि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बट आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताना है कि भारतीय समाज के संस्थापक है वो कौन थे और कब इसको बनाया गया था, ये भी आपको बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज के बारे में। तो आपको बताना है कि समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज वो किस किस के बीच में है। पहला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया बांग्लादेश, तीसरा है इंडिया थाईलैंड, चौथा है इंडिया और इंडोनेशिया। तो देखो, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन डायरेक्टली सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैशटैग पावर ऑफ 18 कैंपेन। बेसिकली कैंपेन चलाया गया था जिस तरीके से हैशटैग मी टू कैंपेन चलाया गया था ना, उसी तरीके से बेसिकली हैशटैग पावर टू 18 कैंपेन है वो चलाया गया था। तो देखो, बेसिकली यह कैंपेन चलाया किस लिए गया था। पहला ऑप्शन आपके सामने कि आस्क फॉर वोटर्स ऑफ द यूथ, मतलब एक तरीके से जो यूथ है वोटर्स उनको बेसिकली पूछने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो कैरियर एफिशिएंसी है इसको पूछने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि कैंपेन टू कॉन्ट्रीब्यूट इन पब्लिक डिबेट्स एंड पार्टिसिपेट इन सिविल इंगेजमेंट। और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो देखो, हम यहाँ पे बात करें हैशटैग पावर ऑफ 18 कैंपेन है वो बेसिकली सी ऑप्शन पे डायरेक्ट सही होता है, पहला और दूसरा गलत है, तो अपने आप सी ऑप्शन हमारे पास बचता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है अभी अपनी तरह की पहली ग्लोबल जो कूलेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी रिसेंटली, जिसे हम बोलते हैं कि ग्लोबल शीतलक अभिनव शिखर सम्मेलन। तो जो ये समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। पहला है कोलकाता, दूसरा चेन्नई, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़। तो देखा, इसका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी, दिल्ली के, सॉरी सी, दिल्ली के अंदर बेसिकली पहली बार ऐसी कॉन्फ्रेंस अपने आप में आयोजित है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है बेसिकली स्पिनकर के बारे में। तो आपको बताना कि रिसेंटली स्पिनकर वर्ड वो न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है यह वर्ड। तो पहला तो ऑप्शन आपके सामने ये दिया गया कि एक तरीके की कराटे की आर्ट है। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है।
तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि लार्ज ब्रेन मिमिक्रिंग कंप्यूटर, मतलब ब्रेन की एक तरीके से कॉपी या नकल है वो करने वाले कंप्यूटर बनाया गया है। चौथा है नन ऑफ दीजिया में से कोई नहीं। तो देखो जो स्पिंकर है वो बेसिकली यूके के द्वारा तैयार किया एक सुपर कंप्यूटर है, जो कि यहाँ पे हम बात करें कि लार्जेस्ट ब्रेन मिमिक्रिंग कंप्यूटर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही होता है। तो ध्यान में रखना है हमें कि सी है जो मिमिक्रिंग कंप्यूटर है वो है क्या। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के बारे में। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर कंजर्वेशन है वो कहाँ दिया गया था अभी रिसेंटली। तो देखो ये दिया गया था लद्दाख के अंदर। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि लद्दाख में लेमो है उसको बेसिकली यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर कंजर्वेशन है वो दिया गया है। तो ये डायरेक्टली फैक्ट्री ऊपर क्वेश्चन है वो आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि रिसेंटली इंडिया ऑपरेटेड समुद्र मैत्री टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स ऑफ द कंट्री। तो आपको ये बताना है कि समुद्र मैत्री जो ऑपरेशन था वो इंडिया ने किसके लिए चलाया था। सीधी सी बात यहाँ पे ये पूछी गई है। तो देखो जो समुद्र मैत्री जो बेसिकली ऑपरेशन है वो चलाया गया था इंडोनेशिया में। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में जब भूकंप आया था तो वहां पर राहत कार्यक्रम के तहत इंडिया ने समुद्र मैत्री एक प्रोग्राम है वो चलाया था। आप ये बताइए कि इंडिया की सिंगापुर के साथ जो नेवल एक्साइज होती है उसका नाम क्या है। सिंगापुर के साथ जो इंडिया की एक्साइज होती है नेवल एक्साइज उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में नाम है वो बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है बेसिकली डेवलपमेंट बैंक को लेके। क्वेश्चन ये है कि जो उद्यम अभिलाषा एक नेशनल लेवल का बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था। उद्यम अभिलाषा नाम का एक नेशनल लेवल का इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था वो कौन से डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया गया था। ये है क्वेश्चन। पहला है आईसीआईसी, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है नाबार्ड, चौथा है सिडबी। तो देखो बेसिकली ये चलाया गया था सिडबी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो दोनों ही आपके लिए होमवर्क हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि WWF TE मल्टीप्लाई बाई टू, एक्चुअली यहाँ पे आप इसको ऐसे नोट कर लेना T मल्टीप्लाई बाई टू। क्वेश्चन ये है कि WWF T मल्टीप्लाई बाई टू जो कैंपेन है वो किसके लिए। पहला ऑप्शन है कि बेसिकली जो क्रिएट क्लाइमेट अवेयरनेस, मतलब क्लाइमेट को लेकर अवेयर करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ ए प्रोग्राम टू डबल टाइगर पॉपुलेशन। तीसरा है कि बेसिकली टीबी को एक तरीके से एलिमिनेट है, टीबी को खत्म करने के लिए। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि टी मल्टीप्लाई बाई टू टारगेट है वो किस लिए चला गया था। सेकेंड है क्वेश्चन वो आपके लिए है साइक्लोन 30। क्वेश्चन ये कि साइक्लोन 30 रिसेंटली न्यूज में था क्या है। पहला ऑप्शन है कि एक तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो ऑपरेशन है तरीका जो उड़ीसा में चलाने की बात की थी। दूसरा है कि कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प है वो करेगा। तो तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों है, और चौथा है डी। अब आप देखो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और बी। तो आप ये देखिए कि ए और बी दोनों तो बहुत अपोजिट हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन तो गलत हो गया, और डी कह रहा है नन ऑफ डी जब, तो ये में भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि UPSC देखो बेसिकली इतना सिंपल तो नहीं पूछेगी कि किससे नाम से रिलेटेड हो। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक तरीके से बोले तो ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा आपने पढ़ा हो तो बेसिकली हम बताएं कि साइक्लोन 30 है वो एक तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ही यूज है, वो किए जाने वाली टेक्निक है। तो यह ध्यान में रखना कि साइक्लोन 30 है वो है क्या, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज है वो होता है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।